प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आपने कब स्टार्ट किया और इस सेंटर को कितने साल हो चुके हैं? निधन तक ये सेंटर रन करते हुए मुझे 6.5 साल हो चुके हैं आज। हमने ये सेंटर 2013 जनवरी 2013 में स्टार्ट किया था और तब से लेकर हमने अब तक काफ़ी केसेस देखे। इससे पहले भी मुझे 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया इस फील्ड में, बिकॉज आई स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से मैंने स्टार्ट किया था जॉब अपना पहला, और वहाँ जैन न्यूरो सेंटर से लेकर के फिर हल्द्वानी भी किया, हल्द्वानी में कृष्णा हॉस्पिटल में किया, उसके बाद ब्रिजलाल हॉस्पिटल में भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। साथ ही नर्सिंग कॉलेज में स्टूडेंट्स को एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी पढ़ाया हमने। एक सेशन वहाँ करने के बाद हमने बेस हॉस्पिटल अल्मोड़ा में ज्वाइनिंग करी। बेस हॉस्पिटल अल्मोड़ा में भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी केसेस देखने को मिले। देन लेटर ऑन, बिकॉज दिस इज़ माई होम टाउन हल्द्वानी, तो मैंने यहीं शिफ्ट करने की सोची और मैंने अपना क्लिनिक फाइनली यहाँ 2013 में स्टार्ट किया था। और इस बीच हमने बहुत से केसेस देखे, आर्थराइटिस केसेस काफ़ी रहे हमारे पास। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हिल्स में हल्द्वानी में पेशेंट्स को आर्थराइटिक केसेस बहुत रहे, स्पॉन्डलाइटिस की केसेस बहुत देखे, सर्वाइकल एंड लंबर स्पॉन्डलाइटिस के बहुत से केसेस आए हमारे पास। और उसमें हमने ट्रीटमेंट देखा कि फिजियोथेरेपी बहुत ही कारगर ट्रीटमेंट है, तो हमें अच्छा रिजल्ट मिला। जितने भी पेशेंट्स हमने अभी देखे, इवन ऐसे केसेस थे जो कि ऑपरेशन की कारगर तक मतलब उस तक पहुँच चुके थे कंडीशन तक, बट स्टिल व्हेन वी गेट फिजियोथेरेपी तो हमें बहुत अच्छा उसमें रिजल्ट मिला। एक्सरसाइजेस बहुत मस्त होती हैं कि फिजियो के बाद भी पेशेंट को फॉलोअप में एक्सरसाइजेस हम बताते हैं जो कि उसको कंटिन्यू करनी होती है होम एडवाइस के लिए। तो देखा हमने कि आर्थराइटिस नी रिप्लेसमेंट वाले केसेस भी बच गए ऑपरेशन से, और लंबर जो डिस्क बल्ज के केसेस थे स्पॉन्डिलाइटिस के, उसमें भी हमने देखा कि ऑपरेशन ना कराते हुए अगर सिर्फ फिजियोथेरेपी से भी ट्रीटमेंट किया जाए तो अच्छा इलाज हो सकता है। एंड बहुत से डायबिटिक केसेस भी रहे जिनमें फ्रोजन शोल्डर की कंप्लेन थी, कंधा जाम हो जाता है, ज़्यादातर डायबिटिक केसेस में ज़्यादा होता है, कई बार एक्सीडेंटल भी होता है। तो जितने ये केसेस थे इसमें भी कंधा जाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज।